दोस्तों, हमारे चैनल दृष्टि फार्मा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपने देखा, इससे पिछली वीडियो में हमने अपना एक्सट्रैक्शन को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी और क्लासिफिकेशन देखा था हमने। देखो, मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में से जाके उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। इसमें हमने देखा था एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन बहुत ही ईजी, मेंस्ट्रुम क्या होता है, मार्क क्या होता है, और इन्हीं प्रिपरेशन को और क्या कहा जाता है, एग्जाम्पल्स देखे थे हमने, और क्या और कौन कौन से सॉल्वेंट यूज होते हैं, क्लासिफिकेशन देखा था हमने। तो क्लासिफिकेशन को ही एक कंबाइन करके एक मेथड बना दिया गया है। तो वहां पे आप इन्हीं इन्हीं के थ्रू देखोगे कि जैसे कि मान लो परकोलेशन हो गया, इसके थ्रू कि कैसे हमारा एक्सट्रैक्शन हो रहा है। तो इन्हीं से ही हमने क्या प्रोसीजर बनाया, एक मैथड तैयार किया। तो चलो थोड़ा बहुत देखते हैं इसके बारे में। कहता है कि मैथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी तरीका बताओ तुम कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे। ये तो थे क्लासिफिकेशन, एक मेथड का नाम, बट उसके अंदर भी हम कैसे कैसे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। कोई भी मेथड अगर आप उठाएंगे तो उसमें हमें इन प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल लेंगे, यानी कि कच्चा पदार्थ लेंगे, यानी कि कोई भी प्लांट का पार्ट जिससे हमें चाहिए, जो उस मान लो प्लांट की एक लीव है ना, उससे मुझे केमिकल्स को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी, उस लीव को ले लूँगी, फिर उसे क्लीन करूंगी ताकि सारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसमें से वो निकल जाएं। इम्प्योरिटीज़ जैसी निकल जाएंगी तो मैं क्या करूंगी, उसे क्रस्ट करूंगी या ग्राइंड कर दूंगी, एकदम पीस दूंगी पत्ती को अच्छे से। पीसने से क्या होगा, एक तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो और जो हमारा सॉल्वेंट है वो उसके अंदर अच्छे से पूरे में पेनिट्रेट कर जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने सरफेस एरिया कम कर दिया, सॉल्युबिलिटी बढ़ा दी है। फिर हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट का सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले रॉ मटेरियल लिया, उसके बाद उसको क्लीन किया, फिर साइज रिड्यूस किया उसका, फिर सिलेक्शन लिया सॉल्वेंट। अब सॉलिड चीज़ हमें मिल गई, तो अब हमें क्या चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए, जिससे जिसकी मदद से हम उस सॉलिड में से वो पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल लेंगे उसमें से। तो सॉल्वेंट लेते हैं हम, तो वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे कि सॉल्युबिलिटी कैसी है हमारे प्लांट का, जो हम पार्ट ले रहे हैं क्या वो उस सॉल्वेंट में सॉल्युबल भी हो पाएगा या नहीं, सेफ्टी कोई ये नहीं कि उसमें से अलग ही कुछ केमिकल निकल के आ जाए जो हमें चाहिए नहीं, कॉस्ट क्या है सॉल्वेंट की, ये भी डिपेंड करता है। कॉमन सॉल्वेंट्स है जो यूज़ होते हैं वो हमारे कौन कौन से, देखो वाटर है, इथेनॉल है और मिथेनॉल है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वगैरह हमारे ज़्यादा यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पे आ जाते हैं सीधा। तो क्या क्या देखा, रॉ मटेरियल का प्रिपरेशन, साइज रिडक्शन देखा, सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट देख लिया। अब हम आते हैं किस पे, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पे। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में भी सबसे पहला प्रोसेस होता है इम्बाइबिशन, यानी कि इम्बाइबिशन का मतलब क्या होता है, बस सिंपल आप ऐसे समझो कि अगर जैसे मान लो कि हमारे घर में भी कभी छोले राजमा या चने हैं वो बनाने होते हैं, तो हम क्या करते हैं उन्हें रात को ही भिगो के रख देते हैं। तो इम्बाइबिशन वही है कि भिगो के रख देना, ताकि जो सॉल्वेंट है वो हमारा उस जो भी पर्टिकुलर चीज़ है को, जो भी सॉलिड जैसे मान लो छोले हैं, उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए, वो उसको फुला दे, क्या कर दे, फुला दे, खुद उसमें चला जाए। तो उसी को हम कहते हैं इम्बाइब करना, ठीक है, उसे फुला देना। तो एक प्रोसेस है जिसमें वही लिखा हुआ है कि पाउडर ड्रग है उसको हम रखते हैं मेंस्ट्रुम के साथ 4 घंटे के लिए, क्लोज कंटेनर में रखा जाता है। देखते हो ना, हमेशा ढक के ही रखते हैं, जब पानी में भिगो के रखते हैं तो ढक दिया जाता है, ताकि वो तो क्या हो कि मेंस्ट्रुम जो हो उसके अंदर अच्छे से पेनिट्रेट कर जाए, यानी कि अच्छे से उसमें धस जाए, ठीक है, सेल वॉल में जो भी हम प्लांट का पार्ट ले रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, इम्बाइबिशन होता है। फिर उसके बाद देखो क्या होता है, पैकिंग। अब हमने क्या किया, जब इम्बाइबिशन हो गया है, मान लो स्वेल कर गया है, पेनिट्रेट हो गया है सॉल्वेंट हमारा सॉलिड के अंदर, उसके बाद क्या हो जाता है, जो लंप बन जाता है ना, एक हमें सॉलिड सा बना दिया हमने, यहाँ पे क्या बना दिया, एक सॉलिड टाइप को फुला दिया है। तो जो लंप था क्रूड ड्रग का, वो क्या होगा, हमारा अच्छे से ब्रोक टूट जाएगा, खुद ही सोचो। देखते हो जैसे जब चने भिगोते हो खाने के लिए, वो सुबह हमने देखा तो वो क्या होता है, 2 पार्ट में खुद ही टूट जाते हैं, जो उसके कॉटिलेडन्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो ड्रग है वो टूट जाता है इम्बाइबिशन के बाद। तो हम क्या करते हैं कि जो परकोलेटर होता है जिसमें ये अब हमारा एक्सट्रैक्शन होगा, तो वो जो डिवाइस है वो परकोलेटर है, तो उसके एंड पे हम क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं, जो भी हमारा क्रूड ड्रग था उसको वहाँ रख देते हैं। उसको वहाँ पहले कॉटन लगाई, फिर वहाँ पे हमने ड्रग को रख दिया, ठीक है, लेयर बाय लेयर हम ऐसे अपने ड्रग को पैक कर देते हैं, किसके, जो हम कॉटन लगा रहे हैं उसके ऊपर अपने परकोलेटर में। तो कहाँ पे रखी है ड्रग हमने, लोअर एंड पे परकोलेटर के, ठीक है, पैकिंग हो गई ये, इस तरीके से इसे बोलते हैं पैक कर देना। उसके बाद आता है क्या, मैसरेशन। अब मैसरेशन में भी तो यही होगा कि हम आराम से क्या करेंगे, थोड़े अमाउंट में मेंस्ट्रुम जो है ऐड करेंगे, जैसे ही हम परगोलेटर में अपनी ड्रग को पैक कर देते हैं, उसके बाद हमने मेंस्ट्रुम ऐड किया। मेंस्ट्रुम बोले तो मैंने बताया था, जो सॉल्वेंट
हम एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं उसको हम मेंस्ट्रुम बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद परकोलेशन, फिर ओपन कर देना लोअर टैप को, नीचे एक टंकी टाइप लगी हुई होती है उसको हम जैसे ही 24 घंटे हो जाते हैं मेंस्ट्रुएशन के, यानी कि जब मेंस्ट्रुम उसमें ऐड कर दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं कि लोअर जो जो टैप टंकी लगी हुई है उसको हम ओपन कर देते हैं। ओपन करते हैं तो वैसे हमें जो जो सॉल्वेंट है वो लोअर एंड से हमें मिल जाता है, जब तक मिलता है जब तक पूरा प्रोडक्ट ना मिल जाए तब तक हम उसे टैप को ओपन रखते हैं। क्यों? जो अब वो सॉल्वेंट आएगा वो सिर्फ सॉल्वेंट नहीं है, उसके अंदर हमारा एक्सट्रैक्ट भी आ चुका है, जो हमें ड्रग का पार्ट चाहिए था वो भी उसमें मिक्स होके आ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो पूरा मार्क है जो कॉटन पे पूरा सॉलिड है उसको अच्छे से प्रेस करते हैं, ठीक है। मार्क भी बताया था जो सॉलिड एक्सट्रैक्ट के बाद जो रिटेन हो रहा है वो मार्क कहलाता है, तो लास्ट में जो मार्क है उसको भी प्रेस करते हैं ताकि जो लिक्विड है ना ऐड किया है वो भी अच्छे से हमें मिल जाए कनेक्टेड मेंस्ट्रुम के रूप में। फिर और भी मेंस्ट्रुम उस पर ऐड करते हैं ताकि और फिर वॉल्यूम डिजायर्ड वॉल्यूम जितना वॉल्यूम चाहिए वो भी हमें मिल जाए। तो ऐसे ही तो करते हैं, जैसे कोई चीज़ छाननी होती है, इमली है जैसे, है ना, इमली को हमें छानना होता है तो उसको हम लास्ट तक छानते हैं, उसमें से पानी हम लास्ट तक उसे पानी गिरते रहते हैं तब तक वो पूरा हमें मिलना चाहे। तो ऐसे ही हम मेंस्ट्रुम भी तब तक ऐड करते रहते हैं जब तक हमें उस ड्रग के पार्ट में से पर्टिकुलर हमें केमिकल मिलना जाए, हमें वो कंपाउंड उसमें से मिलना जाए, तब तक हम मार्क को प्रेस करते हैं, मेंस्ट्रुम ऐड करते रहते हैं। यही हमारा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद अब क्या है, वॉल्यूम को एडजस्ट करना। तो जो लिक्विड हमें मिला है मार्क को एक्सप्रेस करने के बाद, यानी कि उसे प्रेस करने के बाद, उसे हम मिक्स कर देंगे किसके साथ, जो हमारा परकुलेट आ गया है, जो हमारा और लिक्विड निकल चुका है, ठीक है, परकुलेट के साथ एंड द मिक्सचर जो कि हम ऐड कर रहे हैं मोर मेंस्ट्रुम, यानी जितना मेंस्ट्रुम तुम ऐड कर रहे हो और जो तुमने पहले से निकाले इन सभी को हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे ताकि डिजायर्ड वॉल्यूम हमें मिल जाए। तो कुछ नहीं है, लास्ट में हमें वॉल्यूम मेकअप करना होता है कि जितना हमें चाहिए उतना हमें मिल जाए, जैसे जैसे मार्क पे जितना मेंस्ट्रुम डालते जाओगे तो हमें उस हिसाब से हमें मिल जाएगा। तो ये वही कह रहा है, लिक्विड ऑब्टेन आफ्टर मार्क एक्सप्रेशन इज मिक्स्ड विद द परकुलेट एंड द मिक्सचर इज एडेड विद मोर मेंस्ट्रुम, और भी उसमें मेंस्ट्रुम ऐड करो ताकि डिजायर्ड वॉल्यूम हमें मिल जाए। उसके बाद क्या कहता है, क्लैरिफिकेशन, अब हमें क्लियरिटी चाहिए, उसमें प्योरीफाई करना है उसे, तो हम इसे फिल्ट्रेशन से कर लेंगे टू ऑप्टेन ए क्लियर फिनिश्ड प्रिपरेशन को पाने के लिए। फिर उसके बाद जो भी हम डोजेज फॉर्म बनाते हैं, मान लो कोई ऑइंटमेंट बना रहे हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जैसे कि, या लिक्विड डोजेज फॉर्म, या फिर टैबलेट सॉलिड डोजेज फॉर्म बन रही है, तो वहाँ पे अब ये जो हमने निकाला है सॉल्वेंट इसका अब हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, जो हमारा कंपाउंड है हमें यहाँ से मिल गया है, तो इसे हम उसमें, इससे हम अपनी टैबलेट भी बना सकते हैं, ये है, ठीक है। तो ये यूज़ हो गया, एक तरीके से एप्लीकेशन हो गई, हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो देखो ये क्या है, एक परकुलेटर है, इसमें हम अपनी ड्रग को पैक कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें इसे बंद करके रखना होता है 24 घंटे के लिए रखते हैं ना इसमें। तो देखो क्या हुआ, सबसे ऊपर क्या है, ये हमारा पूरा लिक्विड है, मेंस्ट्रुम है, और यहाँ पे सैंड लगा रखे ताकि ये आराम आराम से जो है लिक्विड नीचे इसमें आए और इसमें पेनिट्रेट हो। यहाँ पे पूरी ड्रग हमने भर दी है, प्लांट का पार्ट जो भी है, जो हमने क्रश किया था, ग्राइंड किया था शुरू में। उसके बाद नीचे देखो ग्लास वूल लगा रखे ताकि डायरेक्ट जो है सारा लिक्विड ना निकल जाए, जो सॉलिड जो है यहाँ पे, मतलब सॉलिड के भी इसके साथ ना आ जाए, सॉलिड यहीं पे रिटेन रहे ताकि बार बार मेंस्ट्रुम उसमें जाता रहे और पेनिट्रेट करता रहे और हमें फाइनल अपना प्रोडक्ट मिल जाए जो हमें इसके अंदर से चाहिए, ठीक है। तो ये था परकुलेटर से के बारे में, यानी कि हमें बेसिकली देखो यहाँ पे हमने मेसरेशन भी देख लिया, परकुलेशन भी देख लिया, बात वही है कि भाई मैसरेट कर रहे हैं, परकुलेटर में पैक कर दे रहे हैं, उसके बाद परकुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जा रहा है जिसमें हम मेंस्ट्रुम ऐड कर रहे हैं, मेंस्ट्रुम फिर हमें लास्ट में अपना प्रोडक्ट मिल जा रहा है, फिर मार्क को फिर प्रेस करो ताकि उसमें क्या हो, हमें और मेंस्ट्रुम ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, किसमें, ड्रग्स के साथ मिक्स करा हुआ। तो ये था, और देखो यहाँ पे फिल्टर पेपर भी लगा हुआ है और वॉश्ड सैंड भी यहाँ पे लगी हुई है ताकि ये और इसका पोर्शन जो है सेपरेट रहें दोनों एक दूसरे से। तो ये था हमारा किसके बारे में, मैथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे सॉक्सलेट ऑपरेटस के बारे में, सॉक्सलेट यानी कॉन्टीन्यूअस हॉट परकुलेशन के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, मैं इसी वीडियो में करा देती लेकिन यार वो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, तो उसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और हाँ, इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे जल्दी, जैसे ही वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और अगर जैसे बोलते हैं ना कि और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए आप टेलीग्राम पे जाएं, वहाँ पे आपके लिए एमसीक्यू भी अपलोड होते हैं, क्योंकि देखो वो भी एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, तो उनको भी आप अच्छे से फ्री के मार्क्स को मत गवाओ इस तरीके से, ठीक है। तो उन्हें अच्छे से सॉल्व करो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, और हमें क्या करना चाहिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू।